बीजेपी सांसद का दावा, देवेंद्र फडणवीस 40,000 करोड़ बचाने के लिए बने थे सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अपने बयानों के लिए प्रसिद्ध भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने फिर एक बयान दिया है जिसे सियासी भूचाल आ गया है। अनंत हेगड़े कर्नाटक से सांसद हैं। 1 दिसंबर को वे उत्तर कन्नड़ा में थे। यहां एक सभा में बोलते हुए उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का ड्रामा 40,000 करोड़ का फंड बचाने के लिए किया था। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा आदमी यानी कि फडणवीस 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहा और फिर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये नाटक क्यों किया? क्या हमें पता नहीं था कि हमारे पास बहुमत नहीं है, फिर भी वे सीएम बने? यह सवाल हर कोई पूछता है। हेगड़े ने खुद जवाब दिया और बताया कि सीएम फडणवीस के पास केंद्र की करीब 40,000 करोड़ रुपए रकम थी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सत्ता में आने के बाद उन 40,000 करोड़ का दुरुपयोग करती। केंद्र सरकार के पैसे को विकास के काम में ना लाया जा सके, इसलिए महाराष्ट्र में ये सारा ड्रामा रचा गया। हेगड़े ने कहा, ये योजना बीजेपी के पास बहुत पहले से थी, इसलिए तय किया गया कि ये नाटक किया जाए। तब फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर 15 घंटे के अंदर 40,000 करोड़ रुपए वहीं पहुंचा दिए जहां से वो आए थे। ऐसे फडणवीस ने केंद्र सरकार को सारा पैसा वापस सौंपकर उसे बचा लिया। हालांकि फडणवीस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं किया। ऐसे सब आरोप झूठ है।